एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। डेली लाइफ में मैंने आज आपके साथ शेयर किया है एक मेकअप पाउच। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कपड़े कट कर लिए। एक तो मेन फैब्रिक लिया है और इसके लाइनिंग के लिए लिया है, और इसके बीच में मैंने यहाँ पर फोम यूज़ किया है। यह मेरे पास दो पीसेस थे तो मैंने इनको जॉइंट कर लिया है। इस फोम के लगाने से इसमें थोड़ी अच्छी स्टिफनेस आ जाएगी और ये हमारा जो पाउच बनेगा ये फूला फूला बनेगा। आप इसमें मैंने यहाँ पर फोम लिया है, आप जो पतली वाली फोम सीट आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोटी वाली फोम सीट ली है, या इसके अलावा आप जो वो रेडीमेड कैरी बैग आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या कोई आटा बैग या कोई भी प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसको थोड़ा सा लचीलापन ना रखे और थोड़ा इसमें हार्डनेस आ जाए। तीनों पार्ट को मिलाकर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको जोड़ लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि कुछ निशान बनाकर इसके अंदर डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहे तो इसको यहीं से ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब इसमें डिज़ाइन बन जाएगी तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। आप स्केल से या इंच टेप से नाप कर इस तरह से लाइनें बना लीजिए, और फिर हम क्या करेंगे कि इन लाइनों के ऊपर सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर देंगे। इससे यह इस तरह से इक्वल लाइनें आ जाएगी और ये काफ़ी अच्छा उभरा हुआ लगेगा। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। आप चाहे तो यहाँ पर इसी के कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट, मैंने यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया है जिससे ये लाइनें हमारी अलग से दिखेगी। इस तरह से हमें पूरे कपड़े पर लाइनों के ऊपर सिलाई लगाकर फिनिश कर देना है। इसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे कि हमें कितना बनाना है। यह मैंने कपड़ा अभी अंदाज से मेरे पास टुकड़ा था वो लिया था, अब मैं इसको मेज़र करूँगी। मैंने इसकी लेंथ ली है 12 इंच। जो मेरे अंदर का फॉर्म था वो मैंने 12x11 ही कट किया था, लेकिन जो ऊपर नीचे का कपड़ा था वो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि ये सिलाई में कभी थोड़ा स्विंग हो जाता है इसलिए। और इसकी चौड़ाई ली हमने 11th इंच। आप इसको अच्छे से मार्जिन करके निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट कर लेंगे। यह पाउच बनाना वेरी इजी है और इसको हम कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। यह हमारे बैग में भी आसानी से आ जाएगा और इसमें हमारे ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट अरेंज हो जाएंगे। इसलिए इस मेकअप पाउच को आप ज़रूर बनाकर अपने साथ रखिए। जो मार्केट से हम पाउच खरीदते हैं वो काफ़ी जगह घेरते हैं, लेकिन यह हमारे बैग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा। अब मैंने लिए करीब 1.5 इंच की पट्टी। आप चाहे तो 1 इंच या 2 इंच आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको नीचे रख के ऊपर से सीधी साइड हमारे जो बैग बना रहे हैं उसकी रख के सिलाई लगा देंगे, और इसको नीचे से ऊपर की साइड लाकर दो फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। यह पट्टी लगाना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली भी आप जिप लगा सकते हैं, लेकिन इस पट्टी से इसका लुक अच्छा इन्हेंस होकर आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अरेंज किया है। इस तरह से यह पट्टी हमें फिनिशिंग के साथ दोनों साइड लगाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के पाउच बनाकर आप अपने साथ ज़रूर रखिए। मैं तो मेरे साथ 2-3 बनाकर रखती हूँ। अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे जिप। मैंने जिप को नीचे रख लिया है, ऊपर हमने जो पट्टी तैयार की है उसको रख लिया है, और उसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। जिप आप इस जगह कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी पतली ब्लैक रेड ब्लू जोन से भी कलर की मिले आप इसमें लगा सकते हैं। और मैंने तो ये पुरानी रखी हुई जिप है इसका यूज़ कर रही हूँ, यह इसमें ही मेरे फिक्स हो जाएगी और थोड़ी एक्स्ट्रा बचेगी मैं उसको कट करके निकाल दूंगी। मैंने एक साइड लगा लिया है, अब मैं रनर को निकाल कर अलग कर दूंगी। अगेन मैं दूसरी साइड इसको प्लेस करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, और ये दोनों साइड हमारी जिप अटैच हो जाएगी। दोनों साइड जिप अटैच होने के बाद इसमें हमें रनर को इंसर्ट करना है। रनर को इंसर्ट करने के लिए पहले हम रनर का सीधा भाग लेंगे, जो विड्थ साइड होती है उस तरफ से हमें हाफ डालना है, और हाफ हमें दूसरी साइड से डालना है, और फिर दोनों को पकड़कर पीछे की साइड खींच देना है। इससे आपका रनर एकदम आसानी से और इजीली अंदर चला जाएगा। हमें एक ज़्यादा और एक कम नहीं डालना है, इसमें हमें दोनों को बराबरी से साथ में ही डालते जाना है, और पीछे की साइड
खींचते जाना है। जिस साइड से हमारी जिप लो होती है उस साइड खींचते जाना है और जिस साइड से जिप ओपन होती है उस साइड से हमें इंसर्ट करना है। अब इसको उल्टा करके बीच सेंटर में मैंने एक मार्क कर लिया है और उस मार्क को और जिप को दोनों को मिलाकर इस तरह से अटैच करके हमें एक सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरह से। सिलाई हमें एक बार लगाकर फिर से डबल इसके ऊपर सिलाई लगानी चाहिए। हमें कुछ भी सिलते हैं तो उसमें डबल सिलाई ही लगाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जिप है उसको कट कर दूंगी और इसको एक बार मैं और दिखा रही हूँ आपको। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर चौक से या कैंची की सहायता से एक निशान ले लेना है। निशान लगाने के बाद हमने जो जिप अटैच की है उसके सेंटर को और इस निशान के सेंटर को दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देनी है। मैं जिस तरह से यहाँ पर सिल रही हूँ आप उसको देखकर समझ सकते हैं। मुझको यूँ बोलने में एक्सप्लेन करने में नहीं आ रहा है, आप इसको यहाँ पर देखकर कर लीजिए। अब हम छोटी सी एक पट्टी बनाकर इसके एक साइड में लगाएंगे ताकि हमें जिप ओपन करने में आसानी हो, इसे पकड़कर हम जिप ओपन करें। ये पट्टी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप लगाइए वरना ना लगाइए, लेकिन इससे लुक अच्छा आएगा। यह जिप के कॉर्नर की थोड़ी सी सिलाई में ओपन करके इस जो पट्टी को डबल फोल्ड करके इसके अंदर डाल दूंगी और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी। इसे हमें अंदर की साइड से डालना है और उल्टी साइड बाहर निकाल कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। पर जब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे तो ये छोटी सी पट्टी हमारे अंदर की साइड आ जाएगी। सिलाई लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी निकलेगी उसको हमें कट कर देना है। यह पट्टी आप छोटी बड़ी आपके अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक एक इंच दोनों साइड से लेते हुए एक बॉक्स बनाकर तैयार करना है चारों सब कॉर्नर पर इस तरह से निशान लगाकर, और उस बॉक्स को हम कट कर देंगे इस तरह से। ऐसा हमें चारों तरफ करना है, चारों कॉर्नर पर इस तरह से बॉक्स बनाकर उसे कट कर देना है। वैसे तो ये पाउच बनाना बहुत ही आसान है, और अगर आपके पास इसके स्टेपनेस के लिए अंदर लगाने के लिए फोम नहीं हो तो आप इसको सिंपल कपड़े से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह थोड़ा लूज रहेगा लेकिन पाउच तो आपका अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और जो एक एक इंच के चौखुट बॉक्स हमने कट किए हैं उनके कॉर्नर पे हम चौक से इस तरह से निशान ले लेंगे। हमें चारों कॉर्नर पर इस तरह से निशान ले लेना है और जो हमने निशान लगाया है और यह हमारी सिलाई का निशान, इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देना है। इस ऐसा हमें चारों कॉर्नर पर करना है, इस तरह से सिलाई हमें चारों कॉर्नर पर लगा कर फिनिश कर देनी है। वैसे तो मुझे कोई इतनी प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन हाँ मैं अपने खुद का काम कर लूँ इतनी स्टिचिंग आती है। मैं अपने ब्लाउज़ भी खुद से स्टिच करती हूँ और इस तरह से जो कुछ भी बनाना होता है मैं खुद से बना लेती हूँ। इसको हमने सिलाई लगाकर इस तरह से सीधा कर लिया है और इसके एजेस किसी नुकीली चीज़ से निकाल कर सही कर लेंगे और ये हमारा मेकअप पाउच बनकर तैयार है। इस तरह से दो तीन बनाकर रख लीजिए, एक में अपने मेकअप का सामान, एक में अपने हस्बैंड के सेविंग का सामान, एक में अपने बच्चों के छोटे मोटे टॉयज आइटम आप इसमें कैरी करके आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं इसमें आपको अपने मेकअप के सामान भरकर दिखाती हूँ। देखिए इसमें किस तरह से मेरा मेकअप का सामान अच्छे से अरेंज हो गया है और यह कहीं पर साथ में ले जाना काफ़ी आसान है मेरे लिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।